अब आगे देखो, आगे जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो चीजें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। मुझे ये चीजें बताने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि तुम्हें चारबाग के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए जब तुम चारबाग के इतिहास को पढ़ रहे हो। अगर तुम चारबाग के इतिहास को भी पढ़ रहे हो और उसने जो खोजें की हैं उसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है, तो उसका आपको उसका उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं किस आधार पर कह रहा हूं कि चारवाक ने फिफ्थ एलिमेंट को खोजा, उसको मूर्त रूप दिया? क्योंकि ये सारा सिंबलिज्म उसी को दर्शा रहा है, ये किसी और चीज को नहीं दर्शाता, पांच तत्वों को ही ये दर्शा रहा है। लेकिन बड़ी ही चालाकी से चारवाक की समझ उससे छीन ली गई, चारवाक का ज्ञान उससे छीन लिया गया, और चारवाक नाम भी असली है या बदल दिया गया है उसका भी कोई पक्का नहीं कहा जा सकता। जो लोग चारवाक के उलट बोलते हैं, चारवाक को गलत बोलते हैं, चारवाक के विरोधी हैं, उनको वो बातें बोलनी पड़ती हैं क्योंकि उनको धार्मिक प्रवचन देने हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो चारवाक का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और धार्मिकता का चारवाक से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों ही आत्म विरोधी हैं। चारवाक क्या कहता है कि तुम्हें भगवान के पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए, पहले अपनी ज़िंदगी के मज़े लो, पहले खाओ पियो, मज़े करो, पढ़ाई लिखाई करो, ये सारी चीज़ें करो, मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, आध्यात्मिकता की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रवचन तुम्हें धार्मिक गुरु देते हैं वो बिल्कुल इन चीज़ों के उलट हैं। उनको क्या कहना पड़ता है कि तुम्हें भगवान को मानना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, अपने बच्चों से प्रेम मोह नहीं करना चाहिए। यही वो कहते हैं ना कि बच्चों से मोह मत करो, परिवार से मोह मत करो, ईश्वर से प्यार करो, ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर उनका व्यापार है, उनको ये कहना पड़ता है। अब शायद तुमने कभी ना सोचा हो लेकिन ये दोनों बातें आत्म विरोधी हैं। एक तुम्हें कह रहा है कि ईश्वर है ही नहीं, या उसको मानो या उसको मत मानो, उसको मानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब चारवाक। और एक तुम्हें क्या कह रहा है कि ईश्वर को मानो। चारवाक तुम्हें कहता है कि अपने बच्चों से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो, अपने प्रेमियों से प्रेम करो, अपने साथियों के साथ खेलो, मजाक करो, पढ़ाई करो, अच्छा ज्ञान हासिल करो, अच्छा जीवन जियो, तंदुरुस्त जीवन जियो। दूसरी तरफ धार्मिक लोग जो तुम्हें क्या कहते हैं, कोई तुम्हें मजे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐशो आराम करने की ज़रूरत नहीं है, दुख भोगो, और दुख का निवारण कौन करता है? ईश्वर करता है, भगवान करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि मोह मत करो, अपने बंधुओं से, अपने बच्चों से मोह मत रखो क्योंकि मोह दुख देता है। गौर करो तो धार्मिकता की बातें और चारवाक की बातें दोनों ही आत्मविरोधी हैं। लेकिन जब कोई इंसान फिलोसॉफी पढ़नी शुरू करता है और उसके सामने चारवाक की फिलोसॉफी आती है तो वो वहां पर ठहर जाता है, उसे चारवाक की फिलोसॉफी पसंद आनी शुरू होती है, उसे लगता है कि ये मेरे ही दिल की बातें कह दी गई हैं। और जो धार्मिक प्रवचन करता है उनको जब अपनी बात कहनी पड़ती है तो उनको क्या करना पड़ता है, मजबूरी में चारवाक का विरोध करना पड़ता है क्योंकि चारवाक बिल्कुल उनके उलट है। चारवाक जो बातें कह रहा है वो धार्मिकता के बिल्कुल उलट है, और वो धर्म को गाली भी नहीं देता, धार्मिकता को गाली भी नहीं देता, वो तुम्हें स्वतंत्रता देता है। चारवाक तुम्हें पूरी तरह आज़ाद करता है कि तुम जो मर्जी करो, चाहे भगवान को मानो चाहे ना मानो। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने भी तुम्हें बताया था कि मैं एक धार्मिक इंसान हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं सच होने की संभावना है, बदले हुए रूप में आपके सामने आती हैं। चारवाक ने भी फिफ्थ एलिमेंट के ऊपर बात की है और धार्मिक लोग भी उसके ऊपर बात करते हैं। खोज चारवाकों की है और उसके ऊपर व्यापार कौन कर रहा है, धार्मिक लोग कर रहे हैं, ठीक है। और पूरा आत्म विरोधी बातें उसके अंदर हैं, चारवाक में और धार्मिक शास्त्रों में। अब सोचो ऐसे ऐसी कलाकृति कौन बनाएगा, ऐसी कलाकृतियां कौन बनाएगा जो प्रकृति का मूल स्रोत है, उसकी कलाकृति कौन बना सकता है? वही ना जो अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करेगा, जिसको औजार चलाना आता हो, जिसके हाथों में कला हो, जिसने कुछ सीखा हो, जो अच्छा गणित जानता हो, अच्छी चीजें किसी चीज को सही बैठाना जानता हो। एक मूर्तिकार, मूर्तिकारी के लिए कितनी नॉलेज चाहिए होती है, विज्ञान के लिए कितनी सारी जानकारियां इकट्ठी करनी पड़ती है।
तो जो किसी मंत्र का जाप कर रहा है, जो किसी देवता को मान रहा है, किसी भगवान को मान रहा है, तुम्हें लगता है वो ऐसी कोई कलाकृति बना सकता है या फिर ऐसी कोई कलाकृति बना सकता है? है ना, ये जो सारी मूर्तियां तुम देखते हो ये उसी एनर्जी का बदला हुआ रूप है। ये देखो कितनी बाहें बनी हुई हैं, कितने हाथ बने हुए हैं, चारों दिशाओं में उसे फैलता हुआ दिखाया गया है। ठीक वैसे ही यहां पर दिखाया गया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें समझ में ना आए। लेकिन एक चाल के तहत चारवा को इतना निंदित किया गया, उसकी उसके सारे ज्ञान को चुरा लिया गया, उल्टी सीधी बातें उसके बारे में बोली गई। और मैं तुम्हें ये जो फोटोज दिखा रहा हूं ये भी कोई असली नहीं है, ये सिर्फ घड़ी हुई है। चारवाक के बारे में, चारवाक के नाम के ऊपर कई सारी वीडियोस आती हैं, लोग अलग अलग अपने व्याख्यान देते हैं, अलग अलग लेक्चर्स देते हैं, वो भी आपको सुनने चाहिए। हो सकता है किसी से आपको अच्छी चीज़ सुनने को मिल जाए, लेकिन चारवाक वैज्ञानिक बुद्धि की बात करता है, जबकि धार्मिक ज़्यादातर धार्मिक लोग जो हैं वो अंधविश्वास की बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान की खोज कोई गलत खोज है, ये मैंने अभी तक नहीं कहा कि अगर भगवान की खोज हुई है वो गलत है। नहीं, भगवान की खोज की गई उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। वो कारण क्या था, क्यों भगवान की खोज हुई और क्यों वैसी चीज़ें आपके सामने आई, उसके ऊपर कभी अलग से मैं तुम्हें बता दूंगा कि भगवान की खोज किस मंत्र से हुई, किस उद्देश्य से हुई और कब जाकर ईश्वर या भगवान की खोज इंसान को करनी पड़ी मजबूरी में, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। फिलहाल हम नास्तिकता को ध्यान से देख रहे हैं और उस प्रकृति के उस स्रोत को, एनर्जी को ध्यान से देख रहे हैं जो हर कहीं व्याप्त है, लेकिन हर कहीं उसे अलग अलग तरीकों से बेचा जाता है। ये दुनिया चार हिस्सों में बटी हुई है, शिक्षा, व्यापार और धर्म और मोक्ष। जब कोई इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, तो उसे स्कूल में भेजा जाता है, उसे कहा जाता है कि शिक्षा हासिल करो, शिक्षा ग्रहण करो। उसे शिक्षा एक तरफ उसे कहा जाता है कि शिक्षा ग्रहण करो, दूसरी तरफ उसे ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो उसकी शिक्षा के ही उलट होती है। सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें होती हैं जो वो उसकी शिक्षा के उलट हैं, वो शिक्षा में नहीं आती, वो टाइम पास है, वो एंटरटेनमेंट है, लेकिन बहुत से लोग उसी को शिक्षा मानते हैं, उसी को शिक्षा समझते हैं, जबकि हम ये सारी चीज़ें भी सोशल मीडिया के ऊपर ही देख रहे हैं। लेकिन जब तुम शिक्षा हासिल कर रहे होते हो तब तुम्हें ज्ञान देने वाले लोग और होते हैं, तब तुम्हें कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी के मज़े लो। तो तुम्हारे दिमाग में क्या मैसेज जाता है एक स्टूडेंट के दिमाग में कि शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुम थोड़े बड़े होते हो तो कहा जाता है कि शादी करो, फिर तुम्हारी शादी कर दी जाती है। ये सिस्टम बना हुआ है, ये ऐसे ही चलता है समाज में, तब तुम्हारी शादी कर दी जाती है, तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं। हालांकि कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो शादी से भागते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, वो शादी से भागते हैं। ओके, शादी हो जाती है, उसके बाद पैसा कमाना पड़ता है, फिर व्यापार सिखाने वाले तुम्हें आ जाते हैं, वैसे लोग तुम्हें लूटने वाले आ जाते हैं, कुछ तुम्हें अच्छा व्यापार सिखाते हैं, कुछ तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। धीरे धीरे चारों तरफ भागते हुए तुम थक जाते हो, तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तुम उनकी इंसान उनकी शादी के बारे में सोचना शुरू करता है, फिर उसे महसूस होता है कि पता नहीं उसकी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। शादी हो जाती है, उसके बाद फिर किसके हाथ में सारा खेल आ जाता है, तुम्हारे धार्मिक गुरुओं के हाथ में। वो क्या कहते हैं कि बच्चों से मुँह मत करो। सारी जो चीज़ें, जो जो घटनाएँ, जो जो स्टेजेस तुम्हारी लाइफ में आती चली जाती हैं, वो तुम देखोगे वो आपस में ही एक दूसरे के विरोध में खड़ी होती। जो भी ज्ञान है, जो भी चीजें हैं, जो भी नॉलेज है, इंटरनेट के ऊपर देख लो, चाहे किताबों में देख लो, तुम देखोगे एक किताब दूसरे के उलट बोलती है, एक इंसान दूसरे के उलट बोलता है, धार्मिक गुरु दूसरे के उलट बोलते हैं, नास्तिक दूसरे के उलट बोलते हैं, हर किसी का व्यापार कैसे चलता है, एक दूसरे से उलट बोलकर चलता है। कोई किसी के पक्ष में यहाँ पर नहीं बोल सकता है, हर किसी को दूसरे के उलट बोलना पड़ता है। यही जिंदगी है, यही लाइफ है और ऐसे ही ये खेल चलता है। जैसे हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, आपने एक और एलिमेंट देखा होगा, एक और तस्वीर देखी होगी जिसका नाम है, यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी, हम यहाँ पर प्रकृति के मूल स्रोत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो,
ये आपको हर कहीं मिल जाएगा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, हर जगह इसकी ही बात होती है। वही लौटता है, वही आता है और उसी का गुणगान किया जाता है। ये देखो, ये भी वही है, ये उसी एनर्जी का रूप है। बस हर किसी का समझाने का तरीका अलग अलग है। चाहे इसे कुंडलिनी में तुम ले लो, चाहे किसी और तरीके से समझ लो, ये सारी ये ऊर्जा एक ही है जो हर तरफ है और वही बंटी हुई है। जितना तुम्हारा नैतिकता का ज्ञान है वो भी इसी में आता है। सारी चीजें यहीं से ली गई हैं। एज अबव सो बिलो, जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे है। ये एनर्जी चारों तरफ से एक जैसी ही है, ठीक है? तो वैसे ही आपको यहां पर दिखाई गई है। ये पांचवा एलिमेंट है और पांचवें एलिमेंट के अंदर से ये चारों तत्व नीचे घूमते हुए आपको दिखाए गए हैं, दौड़ते हुए दिखाए गए हैं, और यहां से मैटर पैदा हो रहा है। हो सकता है तुम्हें मेरी बातें समझ में थोड़ी कम आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम रिसर्च करते जाओगे, खोजते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें आगे ये चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है? जो आप देवी देवता की मूर्तियां वगैरह देखते हो वो भी चार वाक्यों से ही उठाई गई हैं। वो मूर्ति कला है, उसमें भी इसी एलिमेंट को दिखाया गया है, उसी एनर्जी को, ऊर्जा को घूमता हुआ दिखाया गया है। आपने देखा होगा ना कि किसी औरत के 10-10, 12-12 हाथ दिखाए जाते हैं, किसी मर्द के 10-10, 12-12 हाथ दिखाए जाते हैं, बाद में उनको देवी देवता बना दिया गया बड़ी ही चलाकी से, फिर उसके ऊपर कहानियाँ भी लिख दी गई। पीछे हमने पंचतंत्र की बात की है, तो पंचतंत्र के बारे में भी एक चीज़ यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो, राइटर ऑफ पंचतंत्र, आपको अक्सर कहा जाता है कि पंचतंत्र के जो राइटर हैं वो विष्णु शर्मा करके कोई हैं, जबकि विष्णु गुप्त उनका नाम भी आता है। लेकिन जब आपको तस्वीर दिखाई जाती है कि उसके राइटर जो हैं विष्णु शर्मा जा हैं या फिर विष्णु गुप्त है, तो कैसे वो नजर आते थे, यहाँ पर एक मूर्ति आपको दिखाई जाती है कि ये विष्णु शर्मा है ये विष्णु गुप्त हैं, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो, और मैं तुम्हें ये भी बता चुका हूँ कि जो पंचतंत्र है वो किनकी कलाकृति है, चार्वाकों की। और जब तुम पंचतंत्र को पढ़ते हो तो कई तरीकों से उसे बदला गया है। पंचतंत्र को आगे हम जारी रखेंगे, कुछ और कहानियां हैं जिसमें जो आपके काम की हैं आपको मैं चुन चुन कर सुनाऊंगा। पूरी किताब तो हम नहीं पढ़ेंगे, और भी कई सारे लेक्चर हैं जो मुझे बनाने हैं, लेकिन कुछ गिनी चुनी कहानियां हैं जिसमें से काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उसमें कुंडलिनी की कहानियाँ भी हैं और भी कई सारी कहानियाँ हैं जो किसी दिमागी मरीज के इलाज की तरह काम करती, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें देखने में ये क्या लग रहा है, तुम्हें लगता है कि ये कोई इंडियन ऋषि है या वैदिक ऋषि है या फिर हिंदू ऋषि है? नहीं है। ये जो पीछे जुड़ा करने का रिवाज था, जब इतिहास आप खोजते हो, हिस्ट्री में जाओगे, तो ये सर के पीछे जुड़ा कौन करते थे? बुद्धिस्ट करते थे, ठीक है? नेपाल में आपने जैपनीज मूवीज देखी होंगी, वो फिल्में देखी होंगी जिसमें जो बुद्धिस्ट हैं वो बड़े बड़े जूड़े रखते हैं, बालों को बड़ा रखते हैं। जो तुम्हारे ऋषि दिखाए आते हैं वो यहाँ पर जूड़ा करते थे। तो ये विष्णु शर्मा कैसे हो गए? ये विष्णु शर्मा नहीं है। यहाँ पर इनकी नाग देखो, वो भी वैसी नहीं है। ये यहाँ पर देखने पर ऐसा लगता है जैसे जैपनीज लोग जो होते हैं, जो पुराने बुद्धिस्ट थे, उनका कोई लेना देना है इससे, ठीक है? बुद्धिस्टों की कहानियां जो हैं उसी में से निकालकर पंचतंत्र बना है। जैनों की जो कहानियां हैं उसी में से निकालकर पंचतंत्र बनाया गया है। लेकिन हर चीज को चुरा लिया गया है और फिर
कहा जाता है कि किसी और ने आपसे कुछ चुरा लिया, जबकि ये सारा इतिहास घड़कर आपको बिताया जाता है, घड़कर चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पर ये देखो, ये भी एक कहानी है पंचतंत्र में। भाषा की चोरी बड़ी खतरनाक होती है। जब किसी देश से उसकी भाषा चुरा ली जाती है, जब किसी सभ्यता संस्कृति से उसकी भाषा चुरा ली जाती है, तो कई चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। जब तुम खुद इन तस्वीरों को ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे सामने कई सारे सच अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। मैंने सिर्फ तुम्हें एक उदाहरण दी है, हिंट दिया है कि बहुत सारी खोजें हैं जो की किसी और ने, लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को ही दिया जा रहा है। ठीक है, चलो हम वैसी चीज़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी है, नॉलेज है आपके पास, वो होनी चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं एक चीज़ और है।